आज हम वेलवेट गाउन की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर मैंने इसमें 6 इंच रखा है और 6 इंच पर हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसका हम बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसे राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोल करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा और आर्म होल को डार्क कर दे रही हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। इसे गोल करने के बाद हम आएंगे चेस्ट पर। तो मैं इसमें चौथाई हिस्सा 6 इंच रख रही हूँ चेस्ट का और यहाँ से हम वेस्ट रखे हैं 5.5 इंच पर। यहाँ से हम हिप रखेंगे 7 इंच पर। तो इन तीनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ से घेरे की तैयारी करेंगे। यहाँ से तो मैंने यहाँ से चौथाई से 6 इंच रखा है इसमें और इस तरह से हम घेरा बनाएंगे थाई के नीचे। फिर हम नी के नीचे भी घेरा बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ से भी एक लाइन खींची और यहाँ से हम इसे पूरा एकदम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से घेरे की तैयारी करेंगे हम इस तरह से। तो हमने ये घेरा बना दिया है इस तरह से। अब हम ये सब कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे नेक पर। तो मैंने इसमें नेक 3 इंच पर रखा है। 3 इंच पर हम इसमें बॉक्स इसकी लेंथ हमने 6 इंच रखी है। 6 इंच पर हम इसमें बॉक्स तैयार करेंगे 6 इंच का और इसे राउंड शेप देते हुए हम इसे गोल नहीं करेंगे। मैं इसमें वी शेप दे रही हूँ। तो मैंने इस तरह से वी शेप दिया है और यहाँ से हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे। तो इस तरह से मैंने डाउन कर दिया तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो पहले हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। और यहाँ से मार्जिन के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। यहाँ से हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे आधा इंच। इस तरह से हमारा वेलवेट गाउन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बैक और फ्रंट को दोनों को सिलने के बाद तो इस तरह से हमारा वेलवेट गाउन बन जाएगा। ये हमारा वी शेप है नेक का। ऐसे हमें पट्टी ज्वाइंट करनी है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जहाँ भी हमारा एक कोना सा आता है यहाँ हमें थोड़ा सा कट लगा देंगे तो हमारा ऐसी शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप भी बनाना इस गाउन का, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।